जी हाँ, अगर आप हो NIOS के रजिस्टर्ड स्टूडेंट या फिर NIOS के वो स्टूडेंट जिन्होंने इस वक्त 2022 में ऑन डिमांड एग्जाम दिया था सितंबर के मंथ में, जी हाँ, क्योंकि अगस्त 31 तक के ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी जो रिजल्ट पेंडिंग बचा है वो बचा है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। जिन स्टूडेंट ने 2022 में NIOS के ऑन डिमांड एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट कब आ रहा है और कब ये मार्कशीट उन तक मिल जाएगी और मार्कशीट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको मिलेंगे, तो आप अगर कोई भी स्टूडेंट हो NIOS के तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको भी ये जानकारी मिल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम लोगों को NIOS की क्वालिफाई करने के बाद मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह रसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इसमें हम NIOS की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर कि ऑन डिमांड एग्जाम्स की। देखिए, जिन लोगों ने सितंबर में एग्जाम दिए थे, अगर हम 30 सितंबर की बात करें तो 30 सितंबर से लेकर अक्टूबर एक महीना पूरा हो गया और उसके बाद 15 नवंबर तक, यानी कि 15 नवंबर वो डेट थी जब 45 दिन पूरे हो जाते हैं किसी भी एग्जाम को खत्म हुए। तो यहाँ पर यानी कि अगर 45 दिन पूरे हो जाते हैं तो जो एक डेडलाइन NIOS डिक्लेयर करता है कि हमारे ऑन डिमांड एग्जाम्स का रिजल्ट 45 डेज में डिक्लेयर हो जाता है, तो वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। अब जो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो बताया था आपको कि आपका रिजल्ट जो है 20 से 25 तारीख के बीच में आ जाएगा, 25 नवंबर तक आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई NIOS की तरफ से ऊपर से कोई हलचल ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जहां पर ये माना जाए कि ये रिजल्ट अभी तुरंत आपके पास आने वाला है। लेकिन सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन करना है, वेबसाइट पर अपलोड हो रहा है और आपका रिजल्ट तुरंत ही अब कुछ 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आप तक जरूर पहुंचने वाला है। जैसे ही वो रिजल्ट ऑन डिमांड एग्जाम का डिक्लेयर होगा मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा और ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कब ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए अब वो समय आ गया है जब अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब जो है आपको मेन जो है 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर जो NIOS द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th है या 12th है। एक तो आपको जो है मार्कशीट मिलती है, उस मार्कशीट में अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसके साथ में ही सर्टिफिकेट भी ऐड कर दिया है, यानी कि अब ये सिर्फ मार्कशीट नहीं है, अब ये है मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। यानी कि ये माना जाता है कि अगर आपको मार्कशीट सबमिट करनी है तो आप यही जब सबमिट कराओगे कहीं पे, और अगर कोई पासिंग सर्टिफिकेट सबमिट कराना है तो यही वाला आप कराओगे। इसके अलावा फिर आपको एक डॉक्यूमेंट और मिलेगा जिसको यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जी हाँ, जिन लोग ऐसा बोलते हैं कि सर TC मिलता है क्या NIOS से, तो TC नहीं मिलता है, ये जो माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट है यही आपका TC का काम करता है और यही आपको जो है आपको आगे एडमिशन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपसे किसी भी फर्दर कॉलेज में जरूर मांगा जाएगा। तो आपको सुनिश्चित करना है कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो एटलीस्ट आपको पहले जरूर मिल जाए जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ऑन डिमांड एग्जाम्स का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये कैसे मार्कशीट उन तक पहुंचेगी वो भी मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग 1 महीना मान के चलिए कि 1 महीने बाद जो है ये मार्कशीट आपको मिलेगी। बात आती है कि ये कहाँ से मार्कशीट मिलेगी आपको, तो जो ऑन डिमांड स्टूडेंट्स हैं उनको इस मार्कशीट के लिए रिजल्ट आने के बाद अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने पे वहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं कि बाय पोस्ट आपको ये मार्कशीट चाहिए या फिर आपको बाय हैंड आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि बाय पोस्ट आपके घर के एड्रेस पे आ जाए तो अप्लाई करते हुए वहां पे बाय पोस्ट का ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। अगर किसी को कोई अप्लाई करने में दिक्कत आएगा तो हमसे संपर्क करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर से हम आपको जो है यहाँ पर इस मार्कशीट को पहुंचाने में मदद करेंगे। तो ये थी जानकारी उन स्टूडेंट के लिए जो सितंबर में ऑन डिमांड एग्जाम देके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा एक अपडेट शॉर्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।